आसमान से गिरा खजूर में अटका, गंदम पर टर्नओवर टैक्स वापस, चोकर पर 17% सेल्स टैक्स बरकरार। चोकर पर सेल्स टैक्स से आटे का थैला 67 रुपए महंगा होने का इम्कान। गंदम पर टर्नओवर टैक्स लागू करना गलती थी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत जारी कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि दोनों टैक्स खत्म होंगे तो हड़ताल की कॉल वापस लेंगे। महंगाई की नॉन स्टॉप ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा, कीमत 284 रुपए फी किलो हो गई। मटन और बीफ सरकारी निर्खों के बरक्स फ्रोक, सब्जियां और फल भी सरकारी रेट से महंगे बेचे जाने लगे। महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। मवेशी मंडियों में ठेकेदारी निजाम बहाल। लाहौर समेत पंजाब भर की 104 मवेशी मंडियों की आउटसोर्स नीलामी का आगाज। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की 80 करोड़ 1 लाख रुपए में नीलामी। लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन की 32 मवेशी मंडियों की नीलामी। बड़े जानवर की एंट्री फीस 500 रुपए और छोटे जानवर की एंट्री फीस 100 रुपए मुकर्रर। पार्किंग का निजाम भी ठेकेदारों के सुपर्द कर दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक 3 डिवीजन से 1.5 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। वैक्सीन की नई खेप आ गई। शहर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल बहाल। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीनेशन सेंटर्स में साइनोवैक और साइनोफार्म दस्तयाब। ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अदम दस्तयाबी से बैनर्स का आवेजा। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन ना मिलने पर शहरियों का एहतजाज। इंतजामिया से उलझ पड़े, अमले में तलकलामी। डेप्टी कमिश्नर के मुताबिक ऑस्ट्राजेनेका दस्तयाब होते ही लोगों को इतला कर देंगे। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद वैक्सीन आने का इंतजार करें। उस्तादा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 5 रोज बाद भी वैक्सीनेशन का दोबारा से आगाज हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में वैक्सीनेशन सेंटर फॉल, डिप्टी कमिश्नर और वाइस चांसलर ने इफ्तिताह कर दिया। कोरोना से अमवात की शरह में कमी आ गई। शहर में 24 घंटों के दौरान 4 मरीज जां बहक। मुजी वायरस का फैलाव ताहाल बरकरार। एक ही रोज शहर में 43 नए मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में मजीद 9 अमवात रिकॉर्ड। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी आने लगी। ऑक्सीजन बेड्स 88%, वेंटिलेटर 77% खाली। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 250 मरीज जेर इलाज। कोरोना के बाद डेंगू का खतरा भी बढ़ गया। अस्पतालों में डेंगू के मुश्तबा मरीजों में इजाफा होने लगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजहार तशवीश। डेंगू से बचाव के लिए सूबा भर में आगाही मुहिम चलाने का फैसला। इंसदाहे डेंगू मुहिम के इकदाम से मुतलिक अहम इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि तमाम टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट की सहूलत दस्तियाब है। डेंगू लार्वा तलफी को यकीनी बनाने के लिए टारगेट ऑप्शन किए जाएंगे। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती केस में अहम पेशरफ। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। वीडियो मेरी है जो साबिर शाह ने छुपकर बनाई। वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था। साबिर शाह ने मना करने के बावजूद वीडियो वायरल कर दी। बेटों ने साबिर शाह को डराया और धमकाया ताकि वो किसी से बात ना करें। मुफ्ती का तफ्तीश में बयान। अदालत ने मुजरिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की गिरफ्तारी वजीर आजम के नोटिस पर हुई। वजीर आजम को मुल्ज़िमान की तफ्तीश से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को उम्र कैद या 10 साल तक सजा हो सकती है। कोशिश करेंगे मजबूत चालान मुरतब करके सजा दिलवाई जाए। अगर कोई और मुतासरा शहरी है वो भी राबता कर सकते हैं।
डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। एफआईए में तलबी का मामला, बाप बेटे की सेशन कोर्ट से अबूरी दरख्वास्त, जमानत मंजूर। नैब के केसेस भुगत रहा हूं, अब एफआईए को पीछे लगा दिया गया। शुगर मिल्स में शेयर होल्डर्स हूं, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूं। शहबाज शरीफ के रोस्टरम पर अपने हक में दलाइल, अदालत ने एफआईए से दोनों की रिपोर्ट तलब कर ली। एफआईए ने शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है, जबकि लीगी रहनुमा पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि नैब में कॉल ऑफ नोटिस होता है, एफआईए में नहीं। शहजाद अकबर गुज़श्ता हफ्ते एफआईए में आए, सवालनामे तैयार किए। अमेरिका को अड्डे ना देने का वज़ीर-ए-आज़म का फैसला दुरुस्त है। अमेरिका को अड्डे दिए तो तालिबान का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, नई लड़ाई मोल नहीं सकते। गवर्नर पंजाब और मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले खसूसी ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी गैर मुल्की कुव्वत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। हुकूमत आटा चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही। चीनी की कीमत बढ़ाने के जिम्मेदार वजीर आजम के पास बैठे हैं। शरीफ फैमिली की उस वक्त कोई शुगर मिल काम नहीं कर रही। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन को बजट पर सियासत चमकाना जेब नहीं देता। ऑपोजिशन ने कोरोना वबा के दौरान भी अवाम को तन्हा छोड़ दिया। बजट एदाद-ओ-शुमार की जादूगरी नहीं, बल्कि मुतवाजन तरक्की पर मबनी हकीकी दस्तावेज है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नदीम अफजल चंद, अराकीन सूबाई असम्बली गुरेज अफसल और मोहम्मद तारिक तारड़ की मुलाकात। हरबंसपुरा आमिर टाउन में खातीन को लूटने वाला गैंग मुतहरिक। शहर में एक ही रोज दो वारदातें। सुबह सवेरे डाकुओं ने एक फैमिली को लूट लिया। डाकू असलहा के जोर पर नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। आमिर टाउन में ही डाकुओं की दूसरी वारदात नाकाम। खातीन के शोर मचाने पर डाकू भागने पर मजबूर हो गए। वारदातों के फुटेज भी सामने आ गई। नया शहर बसाने के लिए किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। रावी किनारे आलमी मायार का शहर बसा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों भी दावत देंगे। नए शहर को पुराने शहर से मिलाने के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देंगे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में खातीन एहलकारों की पासिंग आउट परेड। 390 लेडी कॉन्स्टेबल्स ने ट्रेनिंग मुकम्मल की। मार्शल आर्ट्स, वेपन हैंडलिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के कोर्सेज करवाए गए। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि खातीन एहलकार पंजाब पुलिस का इंतहाई अहम हिस्सा हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर और आसान बनाएंगे।